ऐतिहासिक नारी शक्ति बंदन बिल को लोकसभा मोहर समर्थन में 454 विरोध में मात्र 2 भोट मोदी महिला मास्टर स्ट्रोक रे नाचार अपोजिशन दलमता निर्विशेष नारी शक्ति बंदन बिल को समर्थन बंपर मतरे लोकसभा रे पास होइछि ऐतिहासिक नारी शक्ति बंदन विधेयक मंगलवार आगत होइतिबा ही विधेयक उपरे बुधवार दिन तमाम वितर्क परे शेषरे होइतिला भोट बिल पास पई आवश्यक हेउतिला 2/3 सदस्यक समर्थन अर्थात 362 भोट कारण यहाँ एक संविधान संशोधन विधेयक तेबे मात्र 2 जन को बाद देले बाकी उपस्थित 454 सांसद विधायक सपक्ष देइतिले मत शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है हाँ 454 454 ना 2 प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ अब खंड 2 विधेयक का अंग बना। बुधवार दिन सारा यही बिल ऊपर चलीला सरगरम वितर्क प्रधानमंत्री मोदी महिला मास्टर स्ट्रोक आगे विरोधी पक्ष हो जाए नाचा बिल को समर्थन करने छड़ा से पाखे अन्य कौन उपाय नाला तथापि सरकार को घेरबार सब उपाय अपणाइवा को उद्यम करते विरोधी नेता आ शासक दल पक्ष दि जाता यार मुहतोड़ जवाब विरोधी पक्षर प्रथम वितर्क आरंभ करते कांग्रेस पूर्वतन अध्यक्षा सोनिया गांधी आ संरक्षण केवे लागू करे सरकार तार स्पष्टीकरण दावी करते सोनिया वितर्क शेष वक्त भाव भाषण रखि केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह सोनिया प्रश्नर रखि जवाब पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही है और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है कितने वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष 8 वर्ष क्या समर्थन नहीं करोगे तो क्या जल्दी आरक्षण आ जाएगा तो भी 29 के बाद आएगा समर्थन कर दो गारंटी हो गई फिर जो सरकार आएगी उसमें जो बदलाव करेगी वो भी होगा एक बार श्री गणेश तो करो गणेश चतुर्थी के दिन ये संविधान संशोधन विधेयक आया यहाँ पर जिते बड़े राहुल गांधी का पाली आसीथिला से सरकार को प्रश्न करते नारी शक्ति बंदन विधेयक को कार्यकारी करने को जनगणना कौन दरकार निर्वाचन मंडली सीमा पुनर्निर्धारण कहीं आवश्यक यही निर्वाचन कहीं संरक्षण लागू करा जाऊनी यार भी कड़ा जवाब रखी थे केंद्र गृहमंत्री देर आर ऑल्सो टू थिंग्स दैट सीम स्ट्रेंज टू मी वन इज द आइडिया that you require a new census to implement this bill and the second is that you require a new delimitation to implement this bill in my view it is quite simple this bill can be implemented today by giving 33% of the seats in the lok sabha and the vidhan sabha to india's women ye jo keh rahe hain kyun nahi kar dete kaun kare hum kare aur fir why not dijo ho gaya hai to aap kya karoge हमको कहोगे कि भाई पॉलिटिकल कर दिया ओवैसी साहब नहीं अगर हैदराबाद रिजर्वेशन होगा रिजर्व हो गया तो कहोगे कि भाई पॉलिटिकल रिजर्वेशन कर दिया इसलिए ये बहुत अच्छा है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन जो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग से चलता है हर राज्य में जाकर हर क्षेत्र में जाकर ओपन हियरिंग देकर ट्रांसपेरेंट पद्धति से इसका नीति निर्धारण करता है वो डिलिमिटेशन कमीशन से इसका निर्धारण हो राहुल गांधी का वक्तव्य परे परे वक्तव्य दबा को छिड़ा हुई थी गृहमंत्री अमित शाह तेरे राहुल गांधी एति बेले गृह बाहर को चली जाई यहाँ देखी होहला करते बीजेपी सांसद आ अमित शाह राहुल का उद्देश्य रे कही डरो मत जिसको जाना है डरिए मत अरे भाई डरो मत नारी शक्ति बंदन विधेयक कार्यकारी हेले लोकसभा समेत सबु राज्य विधानसभा रे महिलांको पाई 33% आसन संरक्षित रहिबो अर्थात लोकसभा रे 543 आसन मध्यरु
181 आसन महिलाओं पर संरक्षित रहिबो। ओडिशा विधानसभा 147 आसन मध्य 49 आसन रिजर्व रहिबो महिलाओं पर। तेबे राज्यसभा किंवा विधान परिषद क्षेत्र में यह लागू होबनी। तेबे एससी एसटी महिलाओं पर बिल रे अलग संरक्षण व्यवस्था नहीं। वर्तमान एससी एसटी वर्गों पर संरक्षित आसन मध्य 33% से ही वर्ग महिलाओं पर संरक्षित रहिबो। वर्तमान लोकसभा एससी वर्गों पर 84 आसन संरक्षित थिबा बेले बिल पास हेले 28 आसन एससी महिलाओं पर संरक्षित रहिबो। तेबे एसटी वर्गों पर एबे 47 आसन संरक्षित अछि। नारी शक्ति विधायक कार्यकारी हेले सेथिरु 16 आसन संरक्षित रहिबो एसटी महिलाओं पर। गुरुवार राज्यसभा आगत हेबो नारी शक्ति बंदन विधेयक। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।